तो फ्रेंड्स, कई बार जब वाइफ अपने हस्बैंड और उसके परिवार के ऊपर 498 आईपीसी के तहत दहेज का केस फाइल करती है या एफआईआर करते हैं, तो कई बार जो हस्बैंड्स हैं उनको ये डाउट होता है कि क्या उनको केस करते ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि 498A का केस फाइल करने पे क्या पतियों को, हस्बैंड्स को जेल हो सकती है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल लीगल स्टोर हाउस को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि ऐसी ऐसी लीगल अपडेट्स आप सबको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, पहले क्या होता था कि कोई भी वाइफ अगर अपने हस्बैंड और उसकी फैमिली के अगेंस्ट 498A का केस फाइल करती थी, एफआईआर करती थी, तो तुरंत हस्बैंड और उसकी फैमिली को अरेस्ट कर लिया जाता था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की काफी जजमेंट्स और गाइडलाइंस आ चुकी हैं जिसके तहत तुरंत जेल नहीं होती है। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स जैसे कि अग्नेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार जैसी कई जजमेंट्स और गाइडलाइंस सुप्रीम कोर्ट की आ चुकी हैं कि अगर कोई वाइफ अपने हस्बैंड के ऊपर 498A का केस करती है तो तुरंत उसको, हस्बैंड को अरेस्ट नहीं किया जा सकता। कुछ केसेस में, कुछ रेयर केसेस में उप अधिकारियों, उप पुलिस अधिकारियों के परमिशन के साथ ही हस्बैंड्स को अरेस्ट किया जा सकता है। ये सिर्फ कुछ रेयर सर्कमस्टेंसेस में ही होता है, क्योंकि पहले क्या होता था कि जो सेक्शंस महिलाओं की सुरक्षा और उनके लिए बनाए गए थे, तो कुछ महिलाएं उनका दुरुपयोग करके, झूठे 498A के केसेस करके अपने हस्बैंड और उसकी फैमिली को जेल में पहुंचा दिया करती थी। तो इस सब को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइन निकाली है कि अब क्या होता है 498A का, कि एफआईआर दर्ज होने से पहले भी मीडिएशन कराई जाती है। मीडिएशन यानी कि मध्यस्थता, जिसके तहत पुलिस ये कोशिश करती है कि हस्बैंड वाइफ के बीच में सुलह हो जाए। अगर तब भी सुलह नहीं होती है तो उधर मीडिएशन में ही हस्बैंड और वाइफ को अपने सबूत रखने होते हैं, अपना पक्ष रखना होता है, और अगर फिर भी बात नहीं बनती है तो पुलिस जो है वो एफआईआर करती है, और एफआईआर करते ही हस्बैंड या उसके परिवार वालों को अरेस्ट नहीं किया जाता। कुछ रेयर सर्कमस्टेंसेस में ही अरेस्ट किया जाता है, और वो रेयरेस्ट सर्कमस्टेंसेस पुलिस अधिकारियों को बताने होते हैं, और ये अरेस्ट सिर्फ हायर या सीनियर पुलिस ऑफिशियल्स की परमिशन के साथ ही किया जा सकता है, लेकिन जनरली नॉर्मल केसेस में अरेस्ट नहीं होता है। तो कई बार क्या होता है कि क्योंकि पुराने टाइम से ऐसे अरेस्ट होते आ रहे थे, तो कई हस्बैंड्स और उनके परिवार वालों को ये डाउट होता है कि पुलिस स्टेशन से कॉल आ रही है, अगर हम अभी पुलिस स्टेशन जाएंगे तो हमें अरेस्ट कर लिया जाएगा। तो वो या तो पुलिस के पास नहीं जाते हैं, या फिर वो सोचते हैं कि हम पहले से ही एंटीसिपेटरी बेल ले लें। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि ऐसा करने की आपको कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर पुलिस आपको कॉल करती है तो आप बेझिझक बिना टेंशन के पुलिस स्टेशन जाइए, क्योंकि वहां पे पहले आपकी मीडिएशन कराई जाएगी, और उसके बाद भी अगर आपके ऊपर एफआईआर होती है तो तुरंत आपको अरेस्ट नहीं किया जाएगा। तो आप आराम से पुलिस के पास जाएं और अपना पक्ष रखें और सबूत रखें, और अगर आपके ऊपर झूठा 498A का केस हुआ है तो आप हाई कोर्ट में जाके इसके अगेंस्ट क्वैश पिटीशन भी डाल सकते हैं। 482 सीआरपीसी के तहत क्वैश पिटीशन डालने पे आपका जो केस है वो क्वैश भी किया जा सकता है, लेकिन आपके पास इसके लिए पुख्ता सबूत होने जरूरी है कि आपके ऊपर जो ये केस डला है 498A का, वो झूठा केस है। तो फ्रेंड्स, ये थी वीडियो जिसमें हमने आपको बताया कि अगर आपकी वाइफ आपके ऊपर 498 का झूठा केस या सच्चा केस करती है, तो अगर पुलिस आपको बुलाती है तो आपको तुरंत अरेस्ट नहीं किया जाता, तो आप वहां पे जाके अपना पक्ष रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसे ऐसे लीगल अपडेट्स जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल लीगल स्टोर हाउस के साथ, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, यूजफुल लगी है, तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल लीगल स्टोर हाउस के साथ।